हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो मैं दिखाता हूँ कि अंदर सब लोग क्या कर रहे हैं। तो हम आ चुके हैं ऋषिकेश, तो मैं लेके चलता हूँ अंदर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसे देखिए, परेशान क्यों मुझे हो रहा है। ओबे वहां से दोबारा जो इतना तेरा फोन आया, और क्या आ रहा है, कह रहा है फोटो ले रहे हैं। ये देखो लड़कियां पाउडर बनाते हैं। छोड़ के जाने क्यों आज दिल ये मेरा शुरुआत नहीं है, ये बातें नहीं। तो मैंने सब लोगों को बताया नहीं था मैं कहाँ हूँ, तो अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। तो मैंने सोचा है हर बार घर से शुरू करते हैं ब्लॉग, इस बार बाहर से शुरू करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा यार, कल का जो दिन था ना बहुत हेक्टिक रहा, तो ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाए, लेकिन जितनी ले सकते ले ली, तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है उसका, छोटा है। तो आज का ब्लॉग हम आज से शुरू करते हैं और पूरा अच्छे से दिखाएंगे, हर चीज़ पूरा घूमेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगेगा ब्लॉग। तो चलो चलते हैं। क्या बना रहे हो? तो दोस्तों हो चुके हैं हम रेडी, तो हम निकल रहे हैं। बाकी सब तो नीचे, ये देखो परेशान बाइक चमका रहा अपनी, भाई की बाइक कैसी लग रही है बताना जरा। तो दोस्तों ये कुछ बाहर मार्केट का भी होटल से निकल चुके जा रहे हैं चोपटा की तरफ। ये मैं हूँ, मेरे एक और इधर में तो बना रहा है, कोई और भी तो बनाओ। ये रहा अमित भाई। ये चारों तरफ हो रहा है, हो रहा है, ये आसमान की बात है, बहुत ही बेहतरीन लगता है यार, चलो तो मजा आ गया देख के। व्लॉगिंग होता है ऐसे ना, जब भी तो तुम्हारा भाई आया है व्लॉग करने, नजारे देखो दोस्तों, ऐसी जगह है मैं कैमरे में भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा चीजों को, इतनी सुंदर जगह है, नजारे क्या लग रहे हैं यार। दोस्तों देख रहे हो मैंने वाइड एंगल खोल दिया, और अब हो गई ऑफ रोड, देख लो ऑफ रोड स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे रोड ही नहीं। बोलो खाके दरबार की जय,
ऐसे ही दिन लद्दाख भी जाएंगे हम अगर आप लोगों का साथ रहा तो। चैनल को सपोर्ट करो और हम ट्रैवल करेंगे। अभी आपके घर बैठे स्टार्टिंग में एकदम आए ऋषिकेश से ऊपर की तरफ तो आए तो एकदम ऑफ रोड है यहाँ पे। फिर थोड़ा सा रास्ता ठीक था, अब फिर से ऑफ रोड है। ये श्रीनगर तक अच्छा है, ऐसे रास्ता तो बीच बीच में ऑफ रोड है। तो जब भी आप लोग आओ तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि अपनी बाइक को फिट फॉर कराएँ, कभी यहाँ के पेज निकल जाए। और दोस्तों मैं तुम्हें मैप दिखा देता हूँ, तो ठंड काफी है। जब भी आओ तो अपने कपड़े वपड़े ले आना अच्छे से। तो दोस्तों भी रुक गए हैं अभी, बाकी लोग हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे रुक के, बाकी लोग आने वाले, वो थोड़ा पीछे रह गए हैं तो भी हम वेट कर रहे हैं। बाकी मज़ा आ रहा है और बाकी ऑफ रोड यार काफ़ी है यहाँ पे, ऑफ रोडिंग बहुत है और मतलब ट्रक वैक भी काफ़ी चल रहे हैं। बाकी ठंड भी बढ़ती जा रही है, अब देखते हैं कितना कवर होता है। दोस्तों देख रहे हो नज़ारे, हम रुके थे थोड़ा व्यू अच्छा लग रहा था। बाकी सब ये रही अपनी बाइक, जूम कर देता हूँ। हम यहाँ रुके खाने, यहाँ हम कुछ खाएंगे फिर हम निकलेंगे। तो दोस्तों हमने खाना वाना खा लिया और अब हम लोग निकल रहे हैं, बाकी रहे सब पीछे, तो चलो निकलते हैं। लो भाई देखो, फिलहाल यहाँ हम दोनों वेट कर रहे हैं अपने बाकी दोस्तों का। एक घंटा हो गया यार साथ नहीं चलते, क्या करें भाई, बाइकर्स आगे पीछे और वो खड़ी पीछे हमारी बाइक वेट कर रही है, वो भी हमारा वो भी वेट कर रही है बहुत देर से, वो भी कह रही है या तो चलो या रुको। चलो भाई चलते हैं। तू जो मिला
दोस्तों हम लोग अब चाय पीने के लिए रुके हैं, बहुत देर से घूम लेते हैं, चाय वाय पीते हैं फिर निकलते हैं। कैसे मैं करूं बयां तुमसे। दोस्तों हमें 5:30 बजने को है और हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और रास्ते की हालत दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये देखो रास्ते की हालत। ये रास्तों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रास्ते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो ये था टुंगना ब्लॉग का पार्ट 2 और अब आएगा पार्ट 3। बाकी इस ब्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, लव यू गाइस।